ग्वालियर चंबल की 34 सीटें बड़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही थी इस चुनाव में, उनमें से एक है मुंगावली। मुंगावली से बीजेपी के ब्रजेंद्र सिंह यादव पास हो गए, उनको जनता ने अपना भरपूर मतदान किया और विजय बना दिया है। वहीं कांग्रेस के राव यादवेंद्र सिंह को हार का सामना करना पड़ा है। मुंगावली जो है जो सीट है वो यादव बाहुल्य सीट है, और आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को हराने वाली जो शख्स थे केपी यादव, वो भी इसी इलाके से आते हैं, बीजेपी के नेता हैं, और उन्होंने लोकसभा में जो सिंधिया को धूल चढ़ाई थी तो उसमें मुंगावली का बहुत बड़ा योगदान था। अब ब्रजेंद्र सिंह यादव दोबारा विधायक बने हैं इस सीट से, और वो इस चुनाव को लेकर काफी उत्साहित थे। उनको लग रहा था कि वो एक बार चुनाव और जीत जाएंगे तो हो सकता है कि वो मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल हो पाए, लेकिन इस बार जिस प्रचंड वेग से भाजपा सत्ता में आई है, उसके पास इतने चेहरे हैं हर जाति से हर वर्ग से, कि इस बार असमंजस बहुत होगा सरकार के सामने, जो भी मुख्यमंत्री बनेगा उसके सामने, कि किसको मंत्री बनाए और किसको छोड़ दे। ग्वालियर चंबल इलाके में भी जातिगत मामले हमेशा चलते रहते हैं और उसी आधार पर जीत हार होती है। अदीब क्या कहेंगे जातियों के समीकरण को देखते हुए? बिल्कुल, राजनीति और जाति को अलग अलग नहीं किया जा सकता, कितनी ही बात की जाए कि जाति राजनीति में नहीं आना चाहिए, पर सच्चाई यही है कि जातियों का एक बड़ा खेल होता है पूरे चुनाव में। तो ब्रजेंद्र सिंह यादव बड़े नेता हैं, जीत हुई है उनको। राव यादवेंद्र सिंह लगातार मेहनत कर रहे थे, उनके साथ हुजूम भी देखने को मिल रहा था समर्थकों का, पर कहते हैं ना कि हुजूम से कुछ नहीं होता जब तक कि आपका समर्थक जाकर के ईवीएम में वोट की बटन नहीं दबाता, और जितना वोट पड़ा है ज्यादातर ब्रजेंद्र सिंह यादव के पक्ष में गया, तो नतीजा उनके साथ में है। नतीजा उनके साथ में, हमारे कहा जाता है कि जात ना पूछो साधु की, लेकिन जैसी राजनीति शुरू होती है तो सबसे पहले जाति पूछी जाती है, किस वर्ग से हो, किस जाति के हो, किस कुल से हो, ये बहुत मायने रखता है राजनीति में। और जातियों की देश को जरूरत भी तभी पड़ती है जब राजनीति चाहती है, अन्यथा इस देश में कभी दंगे फसाद और राजनीति ये चीजें कभी सामने ही नहीं आती। हम ब्रजेंद्र सिंह की बात करें तो 74,877 वोट इनको मिले हैं, और राव यादवेंद्र सिंह की बात करें तो 70,317 वोट इनको मिले हैं, और जनता ने जो राजनीतिक मार्कशीट है उस पर राजेंद्र सिंह यादव के सामने पास और राव यादवेंद्र सिंह के आगे फिर लिख दिया है। आप देखते रहिए दखल न्यूज़। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।